खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में माफिया आतिक अहमद के बड़े बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया है और उस पर आपको बताएं 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उमर कई दिनों से फरार चल रहा था और उस पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उसने देवरिया जिला बंद रहने के दौरान लखनऊ के व्यापारी से मारपीट भी की थी। उमर की गिरफ्तारी के लिए कई जगह रेड भी चल रही थी। अब उमर ने खुद ही कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा है। आपको ये बताएं कि मोहम्मद उमर माफिया आतिक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है। तो लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में उसके खिलाफ दिसंबर साल 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस केस में आतिक अहमद के साथ ही उसके बेटे उमर, करीबी जफरुल्ला, फारूक जकी और गुलाम सरवर के समेत 18 लोगों को नामजद किया गया। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने पर उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया और उसके कुछ दिन बाद उस पर CBI की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, लेकिन फिर भी वह हाथ नहीं आया। आपको बताएं कि उमर अपहरण कर जेल में पिटाई, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज मामले का आरोपी है। आपको ये भी जानकारी दी कि उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन आखिरकार खुद ही कोर्ट में जाकर उमर ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो CBI की तरफ से दर्ज मामले में आरोपी है उमर। तो कोर्ट ने उमर को 14 दिन की कस्टडी में भेजा है। फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे, 27 अगस्त को सुनवाई में पेश होगा। अब 27 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसमें उमर जो है वो अब पेश होगा। हालांकि काफी लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी और आपको बताएं कि 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था उमर पर। आतिक अहमद के बड़े बेटे हैं उमर। तो CBI कोर्ट में उमर अहमद ने खुद ही जाकर सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आपको बताएं कि मोहम्मद उमर माफिया आतिक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है और लखनऊ की प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में उसके खिलाफ दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद से ही उमर अहमद की जो तलाश थी वो पुलिस कर रही थी। तो उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण किया है। CBI की तरफ से मामले में इनामी है उमर अहमद। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत, ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को भी लगातार दे रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी, आखिरकार कोर्ट में खुद ही जाकर उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 2 लाख रुपए का CBI ने उमर अहमद पर जो इनाम था उसे घोषित किया था। हालांकि 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर में जो मोहित जायसवाल है उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने बात कही थी कि देवरिया जेल में ले जाकर आतिक अहमद और उनका जो बड़ा बेटा उमर अहमद है उसने उन्हें ले जाकर उनसे रंगदारी मांगी, उनसे मारपीट की। तो इस मामले में 2018 में कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 6 महीने बाद CBI ने उसी को आधार बनाकर इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया। तो उसके बाद सत्य सामने निकल कर आए, उसके बाद से लगातार कार्रवाइयों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए आतिक अहमद की, तो आतिक अहमद पर लगातार कहीं ना कहीं CBI का सिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 75 करोड़ की संपत्ति को कुर करने की बात सामने आ रही है कि आतिक अहमद की जो 75 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उसे कुर किया जाएगा। हालांकि 24 करोड़ की संपत्ति को फिलहाल कुर कर लिया गया और बाकी की जो संपत्ति है उसे कुर करने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। हालांकि आतिक अहमद की जो पत्नी साहिस्ता है उनके नाम से भी 58 बीघा जो जमीन है उसकी भी पहचान कर ली गई है, उसकी भी ताकीद कर ली गई है कि ये संपत्ति भी साहिस्ता के नाम पर दर्ज है। और अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा इस अहम अपडेट पर, इस अहम जानकारी पर। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अनिकेत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।